चलो रिवीजन क्या है कि हमारा 10th क्लास का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो रीजन है, बोर्ड में भी सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा और 11th 12th में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज इसी चैप्टर का है हमारा, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे 6 रेशियो होते हैं, यानी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में उन्हीं की बात चलेगी। वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से थे? वे थे हमारे cos थीटा, साइन थीटा, cos कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं के बारे में बात चलती है। इससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक क्लास थी वो हो गई पिछली 4 या 5 क्लास, वो आपको या तो ऑनलाइन देख लेनी है, नहीं तो जिनका जो छूट गया वो कब होगा, संडे में, ठीक है। अब बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन्हीं की बात चल रही है। नया टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कुछ समझो जल्दी से और उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस पे। कल क्वाड्रेंट के बारे में कुछ बात की थी, उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है, तुमने वर्ड सुना है ना, क्वार्टर हाँ है ना, क्वार्टर का मतलब 1/4, यानी कि इसके भी 4 पार्ट में क्या है, डिवाइड है। तो क्वार्टर से ही क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। अभी ये तुमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये पढ़ा था, अभी भी वही है, लेकिन इस बार हमने उसे 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितने कितने होगा, 90 90 90। तो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री और ये हमारा कितना है 270 डिग्री और ये हमारा कितना है 360 डिग्री। अरे क्लियर बात है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी चीज आपने 9th में भी पढ़ी थी, अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, चलो ठीक है। अब क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये देखा जाए तो माइनस एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, अरे क्लियर बात है। अब यहां हमारी जो बात है वो है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं और वो 6 के 6 क्या होते हैं, यहां पे पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो पॉजिटिव, या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। तीसरे वाले में हमारा क्या है, टेन और जो कॉट है वो पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। और फोर्थ वाले में हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। बाकी सब का मतलब बाकी जो 4 बचे, ठीक है। इधर देख वंश, अरे क्लियर है, तो ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। कल हमने ये भी सीखा था कि इसमें ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक क्यों होते हैं, टेन और कॉट ही क्यों होते हैं, कॉस और सेक ही क्यों होते हैं। तो हमने बताया कि देखो भाई, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ प्लस के साइन लगा दिया कि ये पॉजिटिव है। ये हमारी एक्स एक्सिस की कौन सी साइड है, नेगेटिव, अरे क्लियर बात है। ये हमारी जो है ये कौन सी है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड, और ये वाई एक्सिस की हमारी कौन सी है, नेगेटिव साइड। सबसे ज्यादा मेन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है हमारी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले भी पढ़ चुके हो, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इजिकल्स टू होता है प्रपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हिंदी वाले बच्चे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग। अरे बात क्लियर है कि नहीं है, चलो। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री, ये दो ही पाइथागोरस थ्योरम, इस पाइथागोरस थ्योरम को हमने लिंक जो किया था ट्रिग्नोमेट्री से, उसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या पी बी पी ट्रिक थी, पाकिस्तान भुक्का प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और हिंदी वालों की थी लाल बटे काका, अरे यही तो थी। चलो पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको बताइए कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बचा वो हमारा क्या है, बेस है। अरे क्लियर बात है, वहां हमने इसका मतलब, हमने वहां ये लिंक भी करा था कि जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन की, दूसरी वैल्यू कोस की, तीसरी वैल्यू टेन की। फिर अगर हम इसको इधर से उल्टा पढ़े ऐसे, तो कॉट सेक और कोसेक, क्लियर बात है। चलो अब हमने कहा
कि जब भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट में हम जब भी खड़े होते हैं तो कहां पे खड़े होते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर खड़े होंगे हमेशा। चलो हमने कहा कि भाई हम पहले यहां पे खड़े हैं, यहां पे भव्यार के घर के सामने, और हमने इस तरीके से इनके घर की तरफ को देखा यहां पे। तो हमारे हमने बताया था कि जो एंगल है, एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, लंब है, और जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस है, कर्ण है, और जो बचा वो क्या है, बेस है, आधार है। अब हमें डिस्कस करना था किसमें, क्या हमारा कर्ण या हाइपोटेनस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां क्या लगे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर। अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी हुई तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो हमें इतना पता है कि हाइपोटेनस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसमें 6:6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव कैसे होता है? तो हमने कहा इसके हिसाब से होता है। अब कोई सा भी चेक कर लो, आपने कहा चेक करो भैया साइन थीटा, तो हमने कहा ठीक है साइन थीटा। आपने कहा हमने पढ़ लिया पी अपॉन एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है। पी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब हमने एक बात नोटिस किया कि चीज निकालने से पहले कि यहां भी क्या है, पॉजिटिव, यहां भी क्या है, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, जब तीनों जगह प्लस है कहीं माइनस ही नहीं है, तो क्या कोई वैल्यू माइनस में आएगी, नहीं आएगी। आसमान में से थोड़ी ना टपकेगी, तो कोई वैल्यू माइनस नहीं आएगी। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फिर आते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में वही प्रोसेसिंग कि भैया ये तो फिक्स है कि हम कहां खड़े होंगे, हम जो खड़े होंगे वो कहां खड़े होंगे, एक्स एक्सिस पे ही खड़े होंगे, समझ में आ गई बात। तो फिर से मैं इधर को देखा, इस वाली साइड से, अब गए इस वाली साइड से, जब मैं इसको देखूंगा तो मेरा फिर क्या होगा, सेम ये हमारा थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो ये है वो क्या है, बेस, और ये क्या बना हमारा, हाइपोटेनस। फिर से हम कोई सा भी चेक कर सकते हैं कि भैया एक, अब हमें यहां पता है साइन पॉजिटिव होता है, कैसे होता है अब पता चलेगा। साइन थीटा इक्वल्स टू, अभी अभी आपने बताया पी अपॉन एच होता है, पी के सामने वाला साइन क्या है, पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस प्लस क्या आ गया, प्लस। कह रहे टेन का चेक करके दिखाओ, टेन का, तो टेन थीटा साइन कॉस टेन, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, पी पी क्या है, पॉजिटिव, और बेस क्या है, और प्लस माइनस क्या होता है, इसका मतलब टेन इसमें क्या है, माइनस है, समझ में आ गया। तो साइन और कॉस पॉजिटिव है, कोसेक, और बाकी सब क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है, क्यों है। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम वही प्रोसेसिंग, होना तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही खड़ा है। इस बार हम कहां की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, और जैसे ही देखा ये एंगल बना तो ये हुआ हमारा क्या, परपेंडिकुलर, ये बेस है ही, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा प्लस ही होता है। चेक कर लो कि भाई टेन ही चेक करके दिखाओ, टेन थीटा, तो टेन अभी अभी आपको बताया क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव है, और बेस क्या है, वो भी नेगेटिव है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो टेन क्या होता है, प्लस। ऐसे आप किसे भी चेक कर सकते हो, साइन टू साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी की वैल्यू माइनस और एच की वैल्यू प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब साइन इसमें क्या होता है, माइनस का, समझ में आ गई बात। तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ वाला आपका खुद का होमवर्क है कि आपको खुद से बताना है कि फिर से हम इधर से खड़े होंगे और एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या, हाइपोटेनस। आप चेक कर सकते हो, चलो कर लो। कॉस थीटा, कॉस किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच, बेस, बेस क्या है, प्लस, एच क्या है, प्लस 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 प्लस। तो कॉस और सेक क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या है, क्लियर बात है। नोट करो जल्दी से, जो नहीं आए थे वो करो स्पीड से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टेंथ क्लास में 100 में से एक बच्चे को पता रहेगी पॉजिटिव, ये तो पता रहेगा ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं, ये शायद 100 में से एक ही बच्चे को पता चले। तो इस पर पूरा ध्यान रखना है इस बात का।
जब स्कूल में मैडम पढ़ाए तो उनसे भी एक बार पूछ लेना क्यों होते हैं। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। चलो स्पीड से बनाओ। इसको बनाना जरूरी है, ये जो स्क्वायर बनना है लगभग स्क्वायर हो गया। चलो प्रॉब्लम बाद में, क्योंकि अभी ये क्वाड्रेंट बहुत बचा है। क्वाड्रेंट 10th में पढ़ना है, क्वाड्रेंट का 11th में यूज है, क्वाड्रेंट का 12th में यूज है, कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी एनी, चाहे 12th से रिलेटेड, चाहे एसएससी, कोई भी एग्जाम दोगे क्वाड्रेंट का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और ये बहुत वाइड भी है। अभी तुम्हारे जो सिलेबस में था पहले वो बताऊंगा वो कितना है, और जो तुमने पढ़ लिया और थोड़ा सा और फालतू पढ़ोगे वो कितना है। सिलेबस में तुम्हारे में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इतना बताया गया है कि भाई कितना बताया गया है वो, जिसे मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में याद करा दूंगा कि तुम्हारा यूज कितना है। ये रहा हमारा क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, ठीक है, और ये आ गया 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी अभी पढ़ा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन, कोसेक, पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बताने की जरूरत नहीं क्यों, ठीक है। अब तुम्हारे सिलेबस में कितना है, सिर्फ ये, और वो भी कितना, 90 माइनस वाला। यानी कि अब सबसे पहले तो हमें ये चीज सीखनी है कि भाई हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आ सकते हैं। जब 90 में से कुछ माइनस होगा तो हम कहां चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में कैसे आ सकते हैं, जब 90 में कुछ प्लस हो या 180 में कुछ माइनस हो तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। थर्ड में जब 180 में कुछ प्लस हो या 270 से कुछ माइनस हो तो हम जा सकते हैं। फोर्थ में 270 में कुछ प्लस हो तब जा सकते हैं। 360 में से कुछ माइनस हो या जीरो में से भी कुछ माइनस हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तरीके से और जा सकते हैं जब 360 में कुछ प्लस हो। समझ में आ गई ना बात, जीरो में तो प्लस होगा तो वो प्लस ही रहेगा, माइनस में तो उसकी वैल्यू है, प्लस में वो 360 ही कवर करेगा, ठीक है। चलो इतनी बात हमें समझ आ गई। अब आपके सिलेबस में क्या है, यहां पे लिख दिया मैंने 90 से ऊपर चेंज, चेंज, चेंज का मतलब क्या, इस लाइन के ऊपर जब भी वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब अगर 90 या 270 का हम यूज करेंगे तो चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेबल सिखाई थी, टेबल में क्या बताया था, एंगल्स की जब बात चलती है तो साइन और कोस आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो जब भी 90 आ जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, साइन किस में, कोस किस में, टेन कोट में, टेन कोट टेन में, आपस में, टेन किस में, कोट किस में, सेक किस में, और कोसेक। अब दोबारा से, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। अब मैं कटवल पूछूंगा, कोट टेन सेक साइन साइन को, सबको बोलना है। दोबारा से सुनो और फिर बोलो एक बार स्टार्टिंग से, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में, साइन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब कटोल, टेन कोस कोस साइन कोस साइन। आराम, देखो हमेशा एक नियम सीख लो लाइफ में, कभी भी बिजनेस करोगे या कोई ऑफिसर बनोगे कहीं भी जाओ, पहले सामने वाले को सुनना जरूरी है,
बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है, उसके बाद जवाब देना है बिल्कुल सोच समझ के, उसी को स्पीड भी कहते हैं। बिना सुने जल्दबाजी में करोगे हमेशा गलत, हमेशा गिरोगे, समझ गए ना। तो अब ध्यान से पहले सुनना है फिर जवाब देना है। sec cos tan cos sin, इन पे तुम ध्यान ना दो, ये 5 दिन से 5 क्लास ले ली तुम्हारी पहली है, टेंशन ना लो तुम। अब तुम्हें इतना समझ में आ गया कि 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होंगी, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेंथ में इतना ही है बस, टेंथ में बस इतना ही है। इतना कैसे कि वहां इतना सिखा है कि साइन 90 माइनस 90 में से जब भी कुछ माइनस होगा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, क्या कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि सब क्या है पॉजिटिव है, तो साइन तो सोचने की जरूरत नहीं है। और अभी 90 पे तो चेंज होती है, और साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, बस यही तुम्हारे में यूज है। और सेम आप कर लोगे, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, खत्म, टेंथ क्लास की एक्सरसाइज खत्म, इतना ही कोर्स है बस। लेकिन तुम्हें पढ़ना है पूरा, तुम्हारी मजबूरी है। अब आ जाओ यहाँ, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से जा सकते हैं, एक जब 90 में प्लस हो, जैसे एग्जांपल साइन 90 प्लस थीटा, आपको जब भी ये प्लस माइनस वाले आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि कुछ ऐड हो रहा है कि सबट्रैक्ट हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है तो पहले में साइन की टेंशन दिमाग से निकल जाएगी। अब किस में है, प्लस हो रहा है, प्लस होते ही सेकेंड में वहां साइन का सोचना पड़ेगा कि जब जब साइन को सेक आएगा तो प्लस आना है, बाकी सबके सामने माइनस आना है। तो पहली बात, साइन प्लस होता है, प्लस आ गया, जब जब 90 आएगा वैल्यू चेंज होगी, साइन किस में बदल जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, क्लियर बात है। अब सोच के बोलना और आराम से बोलना, टेन 90 प्लस थीटा, अब तुम्हें दिमाग लगाना है, पहले तुम्हें पता चल गया ठीक है ये था हमारा, इसे मैंने यहां लिख दिया सेकंड, 90 में जैसे ही कुछ ऐड हुआ हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होते हैं तो टेन का आएगा होगा तो माइनस आना है, और टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, बस इतना से तो दिमाग लगाना है। अब कैसे, जब भी 90 आएगा चेंज होना है, जब भी 90 आएगा चेंज होना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वो बाद की बात है, 90 है तो चेंज होना है, साइन कोस कोस टेन कोट सेक कोसेक चेंज होना है, क्लियर है। अब बस क्या करना है, अगर माइनस है तो सब प्लस है, और प्लस है तो साइन और कोसेक के सामने प्लस है, बाकी सबके सामने, क्लियर बात, बिल्कुल पक्की। चलो तो एक बताओ, एक बताना मुझे जिससे मैं पूछूंगा, सेक 90 प्लस थीटा, भविया बताएगी, सेक कोसेक में चेंज होगा क्योंकि आज तुम फर्स्ट डे हो तो तुम अभी याद नहीं हुए होंगे, प्लस की माइनस, प्लस क्यों, इधर की बात, इधर देखना है, जिसके बारे में पता ही नहीं उसके बारे में नॉलेज क्या, कि यहां क्या आएगा, पहले कौन अवेलेबल है, सेक, और सेक यहां क्या होता है माइनस का, लेकिन सेक चेंज हो जाएगा किस में, कोसेक थीटा में, इधर वाले साइन पे ध्यान नहीं देना, किस पे देना, इधर वाले पे, क्लियर बात है पक्की, बाकी तीन लिख लोगे। लेकिन अभी सेकंड क्वाड्रेंट खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 90 प्लस और 90 माइनस वाला चला है। अब कितना अच्छा है, जब 180 में से माइनस होगा क्या कहीं चेंज लिखा है, नहीं लिखा है, तो मतलब चेंज नहीं होगा, तो कितना अच्छा है, कितना प्यारा सा है, क्या साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो कोट है तो सेक है तो कोसेक है तो, बस किसका ध्यान देना है, साइन का, किसका ध्यान देना है, साइन का। अगर मैं साइन या कोसेक यूज करूं तो आपको प्लस लगा देना है, अदरवाइज सबके सामने क्या लगा देना है, माइनस। पूछूं तो बताओगे, चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोस 180 माइनस थीटा, बस आपको ये सोचना है कि कोस दूसरे में प्लस है कि माइनस, तो क्या है, तो माइनस कोस थीटा, माइनस के कोस थीटा, 180 पे कोई वैल्यू चेंज नहीं है। थोड़ा जल्दी सोचना, अभी कितनी सी बात बताई, जब 180 आएगा तो वही बोलना है, बस नू सोच लो कि अगर भैया साइन या कोसेक बोल रहे हैं तो प्लस है, अदरवाइज माइनस है, क्लियर है। एक एक करके पूछूंगा, चलो ये बताएगा सेक 180 माइनस थीटा, भाई कितने नालायक बालक हो, पहले तो वही बोल दो,
अबे जैसे मैंने पूछा sec 180 माइनस थीटा, तो क्या भैया sec थीटा प्लस माइनस उनका भी बता रहे हैं, तो फिर क्या है कि साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सबके सामने क्या है माइनस। अब बस sec प्लस है कि माइनस, माइनस, तो बस क्या आ गया माइनस sec थीटा। समझ में आ गई बात? चलो ये बताएगी, तू बता मुझे cot 180 माइनस थीटा क्या है? माइनस का cot थीटा, माइनस का cot थीटा, बस इतना ही तो आसान है। बताओ भव्य, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि बस साइन और कोसेक के सामने प्लस लगाना है, बाकी सबके सामने माइनस लगाना। क्लियर है ना अब तो बिल्कुल? और जब 90 के जिक्र होता तो भैया फिर चेंज होगा बस, और प्लस माइनस तो मैं रट गया। हाँ बताओ, ये 90 पे क्यों चेंज होते हैं? देखो अभी तुमने कोऑर्डिनेट पढ़ा था ना, ये यहाँ पे तो हम खड़े रहते हैं तो यहाँ पे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, और यहाँ पे क्या होगी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे वैल्यू वेराइज करती है। असली रीजन और बता दूंगा मैं, असली, ये नकली वाला है। हाँ असली बता देंगे, अभी बताऊंगा असली। पहले यहाँ पे आओ, इसे क्वाड्रेंट को पढ़ो, फिर वैल्यू को पता चलेगा कि वैल्यू 90 पे क्यों चेंज हो जाती है और 180 और 360 पे वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती। जैसे क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा तो तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इसी में छुपा है, अभी आने वाला है धीरे धीरे। चलो देखो यहाँ, अब चलो मैं बता ही दूं, मेरे भी बात पस्ती नहीं, डिपेंड करता है ग्राफ पे। ग्राफ साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, साइन एक्स पे जैसे एसी करंट, करंट पढ़ी है ना एसी करंट, अभी पढ़ोगे एसी डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। जो लाइट आती है वो एसी है, जो इन्वर्टर का है वो डीसी है। तो यहाँ ऐसे चलेगी वैल्यू, यहाँ गई, यहाँ यहाँ ये होता है 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ये 180। इस लाइन पे वैल्यू वहीं आ रही है कि नहीं आ रही है? 180, 360, फिर 360 से आगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एक ही लाइन पे है, लेकिन यहाँ वैल्यू अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वैल्यू क्या होती है चेंज। समझ में आ गई बात? चलो अब यहां आओ, यहां तक क्लियर है बात? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में दो रीजन है, या तो 180 प्लस हो तब आ सकते हैं, या 270 माइनस हो। ये 180 तो बहुत ही प्यारी सी चीज है, क्यों? वैल्यू चेंज ही नहीं होनी, वही रहना है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। माइनस हो तो सेकंड में, और प्लस हो तो थर्ड में, और थर्ड में कौन कौन प्लस है? टेन और कोट, बाकी सब क्या है? माइनस है। समझ गए ना? चलो तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 180 प्लस थीटा, जैसे तुमने 180 का नाम सुना तो तुमने साइन तो पहले लगा दिया, चेंज तो होना ही नहीं। अब तुमने देखा प्लस, प्लस है तो थर्ड में, और थर्ड में काय का होता है साइन? माइनस का, तो माइनस साइन थीटा। चलो बताना, टेन 180 प्लस थीटा, तो तुमने कहा टेन तो आना ही है, अब क्योंकि प्लस हो रहा है तो टेन थर्ड में प्लस है, तो प्लस के क्या? टेन थीटा। अरे बात क्लियर है कि नहीं? अब यही चीज अगर यहाँ 180 की जगह 270 कर दे तो भैया वैल्यू चेंज, वैल्यू क्या है? चेंज है। तो साइन किस में बदलता फिर? कॉस में। टेन किस में बदलता फिर? कोट में। समझ में आ गया? इतना सा डिफरेंस है। अरे दिमाग में बैठ गया कि नहीं? क्लियर है? चले फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या कहानी है? यहाँ तीन तरीके हैं, तीन क्या? 270 में प्लस होगा तो हम फोर्थ में पहुंच जाएंगे। भैया हमें तो ध्यान आ गई 270 वैल्यू चेंज, बस देख लेना कौन प्लस है कौन माइनस है। तो कॉस और सेक के सामने तो, और बाकी सबके सामने। समझ में आ गई बात? और वैल्यू क्या होंगी? चेंज। रट लो, दो चीज पे वैल्यू चेंज है, 90 पे और 270 पे। साइन किस में? कॉस, टेन कोट, कोसेक। समझ गए ना? अब तो याद हो गया तुम्हें, पक्की बात। चलो दूसरा क्या है? 360 में जब माइनस होगा तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसने कहा मैं भी 180 का भाई हूं, मैं भी वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल एकदम मस्त है, क्या? साइन साइन रहेगा, कोस टेन कोट सेक, और कोसेक कोसेक, सब हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, बस आपको देखना है प्लस या माइनस। तो भाई जब जब 360 में से कुछ घटेगा तो कॉस और सेक के सामने प्लस लगा देना है, और बाकी सबके सामने माइनस लगा देना है। क्लियर बात है? लास्ट बचा जो इंपॉर्टेंट है, इलेवंथ खत्म हो गई तुम्हारी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के इस पोर्शन में। अब आते हैं सबसे ज्यादा प्यारा चीज, क्या है? कॉस माइनस थीटा, ये सबसे फेमस है। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो आज तक बताया गया था हमें और बच्चों को भी कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस माइनस को खा जाता है, खा। ये हमने पढ़ा था, हमें टीचर्स ने भी बताया था,
बाकी भी जो बच्चे आते हैं उन्हें भी बताया था कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है कि क्यों, तो बताया था कोस माइनस को खा जाता है, कोस के कहीं ना कहीं मुंह लगा है जहां से वो इसे खा जाता है ना। पूछोगे तुम भी तो पता चलेगा कोस माइनस को खा जाता है। तो लेकिन इसका एक्चुअल में रीजन क्या है कि कहीं भी अगर माइनस लिखा है तो बताओ मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, जीरो माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं उसे जीरो माइनस थीटा। और जीरो में से जब कोई चीज घटेगी तो वो कौन से क्वाड्रेंट में बचेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए कोस जीरो माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। समझ में आ गई। ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे क्या साइन जीरो माइनस थीटा, तो तुम कहोगे माइनस साइन थीटा, जीरो पे भी वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू तो सिर्फ इसी लाइन पे चेंज है। अरे क्लियर बात है कि नहीं। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज है लेकिन तुम्हारे लिए इतना इनफ है, बहुत सारी चीज पता चल गई। क्यों? क्योंकि अभी 360 में ऐड होगा तो भी फर्स्ट में जाएंगे और सबसे आसान यही है। क्यों है ना, तो नेगेटिव है कुछ और ना चेंज होना। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, यानी कि 360 में प्लस हो जाए तो कुछ नहीं करना। अरे समझ में आ गई बात। अब बहुत नॉलेजेबल बात, क्या 360 में अगर तुम मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता रहेगा। अगर मैं कहूं 360 इंटू टू तो एक चक्कर पूरा किया, और जैसे ही 360 आया जैसे टू की मल्टी दो चक्कर पूरे किए, फिर भी किसमें होगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, सेम ही रहता है। अरे रहता है कि नहीं। मैं तीन की मल्टीप्लाई कर दूं तो भी, फोर्थ की मल्टीप्लाई कर दो तो भी, इलेवंथ में जब जाओगे वो कहेगा कोस 1340 की वैल्यू बताओ, तुम कहोगे 1340 इतना बड़ा एंगल, कुछ टेंशन नहीं, हम 360 के काय में तोड़ लेंगे, मल्टीपल में तोड़ लेंगे। समझ में आ गई बात। इसका मतलब तो भैया ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, तो कि भाई हम यहां से चले, एक चक्कर पूरा किया, फिर हम ऐसे ही दूसरा भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम तीसरा भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब जब वैल्यू इस लाइन पर आएगी सेम होगी, जब जब वैल्यू यहां आएंगी क्या होंगी, सेम होंगी, जब जब वैल्यू यहां आएंगी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, और उनकी वैल्यू। अब एक और ट्रिक सुनो, जो साइन जीरो है वही साइन 180 है, वही साइन 360 है, वही साइन फिर 90 जुड़ गया है, 180 जुड़ गया है। साइन जीरो तुमने जीरो पढ़ा, साइन जब 180 पढ़ोगे वो भी जीरो पढ़ोगे, साइन 360 पढ़ोगे वो भी जीरो पढ़ोगे, साइन 720 पढ़ोगे वो भी जीरो पढ़ोगे, यानी कि जो भी 180 के टेबल में आएगा उन सब की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये था, ये मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया पहले ही, चलो इसे रफ कर दें, इसे दोबारा घुमाएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री के नए आविष्कार की तरफ चल रहे हम। मतलब मैंने नहीं करा, साइंटिस्टों ने कर रखा है लेकिन पता बहुत कम लोगों को है। चलो यहाँ जाओ, 10th क्लास में, बाकी तो पता है। हमने कहा कि भाई हम यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ जीरो था, यहाँ साइन की वैल्यू जीरो थी, फिर से हम इसी लाइन पे पहुंच गए। जब यही लाइन है भाई, एक बात बताओ, तुम घूम फिर के यहीं आए मेरे पास तो हूं तो मैं भाई, यहाँ तो मैं ही पढ़ूंगा, कहीं और जाओगे तो ही तो वैल्यू चेंज होगी, यहाँ तो वही सेम वैल्यू है। फिर तुम यहाँ से चले 180 पे गए तो वही था, 180 पे गए तो मैं ही मिला, फिर घूमे, फिर 180 घूम गए, फिर कौन आ गया, फिर मैं ही आ गया। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ थी वही वैल्यू यहाँ है, वही वैल्यू है, इस पूरी लाइन पे वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं कितने भी चक्कर काट लूं, जब जब मैं इस लाइन पे आऊंगा तब तब मेरी वैल्यू क्या आएंगी, सेम। यहाँ जीरो था, यहाँ 180 था, यहाँ 360 था, फिर 360 में 180 जुड़ गया, फिर हमारा ऐसे जुड़ गया। जब तक घूमते रहोगे वैल्यू क्या जाती रहेगी, सेम जाती रहेगी। इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री भी है। क्या भी है? सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सर्कल में उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया जिसे आप 11th में पढ़ोगे, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई होता है 180, और 180 यानी कि फिर से वही बात, साइन 180 जब एन की वैल्यू 1 होगी तो साइन 180 अभी तो बताया था जीरो, फिर एन की जगह 2 रख देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 360, वो भी जीरो, यानी कि इसमें किसी की एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। समझ गए ना ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जब समुद्र के अंदर चक्रवात आते हैं, चक्रवात साइक्लोन आते हैं, साइंटिस्ट ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं। देखा तुमने मूवियों में, देखा होगा
जो वो ग्राफ दिखाते हैं ना, ग्राफ दिखावा है ना, उसमें ऐसे ही देखा ना, ऐसे ही घूमते हुए मूवियों के अंदर, इसका मतलब वो एंगल्स का यूज कर रहे हैं, साइक्लोन किस एंगल से आ रहा है और जब हमारे पास आएगा तो कितने एंगल से टकराएगा, पूरी बात बता देते हैं ना वो। तो वो सब खेल जो है वो मैथमेटिक्स का है। लोग सोचते हैं कि साइंटिस्ट बनते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बन गए, नहीं, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट बनते हैं मैथ्स पढ़ के। जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री का एंड है वहीं से मैथ्स स्टार्ट है, समझ में आ गई ना बात, लिखो। हाँ नहीं, लाइव चल रही है, मगर चलो कोई बात नहीं, नोट करो जल्दी से, काम की चीज है। रुक जाओ अभी, अब तुम डिफरेंस देख लो। ये चीज हमको ग्रेजुएशन के बाद पता चली, आपको टेंथ में पता चल रही है। अभी अभी जब देखो तब भी मजा आएगा। नहीं, बहुत अच्छी चीज है, टेंथ में तुम्हें बहुत मजा आएगा पढ़ने में सारे चैप्टर्स में। और यूपी बोर्ड का तो पेपर इस बार ऐसा आया था, बिल्कुल एकदम भाई साहब, जो क्वेश्चन 6 नंबर में आने चाहिए थे वो 2-2 नंबर में आए। 70 के 70 नंबर का पेपर डिट्टो आया, डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा कैसे ही। जो ये कह रहे थे ना कि भैया पता नहीं क्या होगा, वे आके मेरे से कह रहे थे भैया मस्त गया पेपर, मस्त, जो पूरी साल नहीं पढ़े थे। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत करनी है इसकी, क्योंकि जब तक मैं खड़ा हूं क्लास में तब तक चीजें आसान है, खुद पढ़ोगे तो चीज इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करनी है बार बार। अभी तो तुम्हें जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी और मुझे लगेगा तुम परफेक्ट हो गए, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा ग्राफ्स। और फिर तुम अपने बहन भाई से पूछना जाके जो 12th में है, 12th के बाद है। और तुम्हारा होमवर्क क्या है कि आपको एक कंप्लीट बना के आने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के 6 के 6 90 माइनस वाले, सेकंड क्वाड्रेंट में 6 90 प्लस वाले और 6 180 माइनस वाले, थर्ड क्वाड्रेंट में 6 180 प्लस वाले, 6 270 माइनस वाले, फोर्थ में 6 270 प्लस वाले, 6 360 माइनस वाले, 6 0 माइनस वाले, ये आपका होमवर्क है। हाँ वो कर लेना। यूज कितना है टेंथ क्लास में, टेंथ क्लास अब आपको बच्चे से लगेंगे क्या, कुछ नहीं करना, बस 90 माइनस वाले देखना है, वो तुम्हें रट गए, साइन कोस होता है, कोस साइन होता है, टेन कोट होता है, कोट टेन होता है, सेक कोसेक कोसेक, बस। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लास्ट में प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन आ जाएगा यहां से, देखो हो गया पक्का।
चलो तो एनसीईआरटी है, आरएस ले रहे हो क्या? आरएस दो, आरएस आरएस ही चल रही है तो आरएस। और इस बार तुम्हारा कोई सिलेबस कट नहीं है, न्यूज़पेपर में आ गया, आपने अपडेट देख लिया होगा, 30% जो कट था वो इस बार कट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पेज नंबर है इस वाली आरएस के अंदर 590, ट्वेल्थ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से सुनना, समझने पे फोकस करो, क्वेश्चन पे नहीं। कॉस 64 डिग्री है, आपको कह रहा है ये विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स इवोल्यूट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू आपको उसका यूज नहीं करना है और आपको इसकी वैल्यू इवोल्यूट करनी है। कैसे करनी है सुनो, जैसे अगर इसको मैं करवाने के लिए तो तुम्हें ऐसा समझा दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे, लेकिन समझो तुम प्रॉपर। यहां लिखा है साइन, यहां लिखा है कॉस, तुम्हारा मर्जी है, कोई से भी एक वैल्यू को चेंज कर लो, किसकी हेल्प से? 90 माइनस की हेल्प। कैसे? अगर मैं कहूं आपसे कि भाई मैं 26 को ऐसे लिख रहा हूं, 90 माइनस 64, कोई दिक्कत है? क्योंकि 90 में से 64 जाके तो 26 ही बचेंगे, मैंने ऐसे लिख लिया। भाई मैं कहूं तुम 9, तुम 5 को या तो 5 लिखो या 9 माइनस 4 लिखो, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? ऐसे 26 को 26 लिखो या 90 माइनस 64 लिखो, कोई डिफरेंस थोड़ी है? नहीं, लेकिन अभी अभी तो हम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे कि भैया साइन 90 माइनस में कुछ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाता है, किसमें? कॉस थीटा, थीटा का मतलब जो ये वैल्यू है वही वहां जाएगी। अरे क्लियर है? तो इसका मतलब क्या, साइन और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है? 64, लेकिन साइन तो चेंज होता है किसमें? कॉस में, तो साइन चेंज हो गया कॉस में, अपॉन में कॉस 64, कॉस 64 से 64 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? पर अरे समझ में आ गया बात, इतने आसान से क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब भैया हमने तो एक चीज पकड़ ली, क्या हमें सोचना ही नहीं, जो नीचे लिखा है उसी को 90 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, हो गया क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट कि sec 11 डिग्री अपॉन में क्या, cosec 79 डिग्री, बताओ भाई क्या करेंगे? कि भैया ऐसे कर लेंगे, sec 11 को लिख सकते हैं 90 माइनस 79, और अपॉन में कुछ नहीं करना उसे, तो ऐसे रखो 79। अब sec तो किस में चेंज होता है? cosec में, तो cosec 79 अपॉन में cosec 79। अरे समझ में आ गया, ये वैल्यू कट हो गई, वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अरे समझ में आ गई बात, जितने भी डिवाइड वाले हैं और उनके अपोजिट है, सबकी वैल्यू क्या आएंगी? 1 आएगी, लेकिन जब माइनस में चले जाएंगे तो वैल्यू क्या चली जाएगी? 0। समझ में आ गई? जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हमें जल्दी करने होते हैं तो ये भी हम लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन तब जब ये अकेले हो, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन जब देगा तो इसमें प्लस माइनस करके देगा, तो उसमें फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अगले क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, चलो इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन और करा दूं इस पे, तब अभी जब तुम लोग आइडेंटिटी में जाओगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, सबसे मेन पोर्शन है 10th क्लास का आइडेंटिटी। प्लेलिस्ट बना रखी है 10th क्लास की, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो उन्हें, हो गया समझ आ गया? अच्छा, अगर टॉप करना है तो एक चीज पे और ध्यान देना है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, मैंने बराबर में फॉर्मूला भी लिखा, तो आपको दिखाना है कि ये हमने अप्लाई किया है बराबर में इसी तरीके से, समझ आ गई ना बात? कोई भी फॉर्मूला हम यूज करें, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, वो आपको वहां मेंशन करना है।
देखना, एक दो और देख लो फिर प्रॉब्लम्स, और उसके बाद फिर कल चलो एक ही कराते हैं, फिर प्रॉब्लम करा देंगे। क्वेश्चन है 10 35 अपॉन में कॉट 55 प्लस कॉट 78 अपॉन 10 12, वैल्यू बताओ कितनी आएगी? टू आएगी। भाई 10 का उल्टा कॉट होता है 1 आएगा, कोट का उल्टा 10 होता है 1 आएगा, तो 1 और 1 कितनी आएगी? 2। ये बात आपको प्रूव करनी है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो तुम्हें तो समझ में आ चुका है क्या, लेफ्ट हैंड साइड लोगे क्या करोगे, 10 को 35 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 55, और नीचे वाले को कुछ नहीं करना, 55 ही रहने देना है। फिर कोट को 78 को लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 12 और अपॉन में 10 12। 10 चेंज होता है किसमें, अरे किसमें, कोट में, और नीचे पहले से हमारा कोट था, कोट किसमें चेंज होता है 10 में, और 10 नीचे पहले से ही था, इससे ये गया इससे ये गया, 1 + 1 आंसर कितना आया 2। अरे क्लियर है, तो इसकी एक्सरसाइज आपको करके लानी है, जितने भी करके ला सकते हो। एनसीईआरटी में भी सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है, और आरएस के अंदर भी इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करो, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, नीचे वाले को तो कुछ करना ही नहीं, ऊपर वाले को सिर्फ 90 में से माइनस कर देना है वही वैल्यू जो कहां लिखी है, अपॉन में लिखी है, उसी को 90 में से क्या कर देना है, माइनस, और वो मैंने तुम्हें रटाया ही है क्या, साइन किस में चेंज, कोस में, कोस टेन कोट सेक कोसेक, शाबाश।